सर, आज धन्वंतरी जयंती भी है और इंद्रप्रस्थ वैद्य सभा आज आयोजित की गई कंस्टिट्यूशन क्लब में, क्या इसका ध्येय है? प्रधानमंत्री तो वैद्य और वैदाचार्य और आयुर्वेदा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। देखिए, इंद्रप्रस्थी वैद्य सभा जो है आयुर्वेद की 125 साल पुरानी संस्था है। मैं नहीं मानता इससे पुरानी कोई आयुर्वेद की हिंदुस्तान में संस्था है। इस संस्था में जो हमारे मुख्य आधार हैं, उन्होंने इस संस्था को बल दिया है, वो हिंदुस्तान के विख्यात वैद्य रहे हैं। हिंदुस्तान के नहीं, अगर हम कहें कि विश्व विख्यात वैद्य इससे जुड़े हुए थे। इस संस्था का जो संचालन है वो आज के समय भी विश्व के प्रख्यात वैद्य वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी कर रहे हैं, जिनके संरक्षण में ये संस्था विभिन्न आयुर्वेद के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी के जितने भी कार्यक्रम हैं आयुर्वेद संबंधित, उनको इस संस्था के माध्यम से, मैं इस संस्था के साथ और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन इस संस्था के माध्यम से जन जागृति के साथ जन जन तक पहुंचाने का काम ये संस्था करती है, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस आए कि अपनी जीवन शैली को कैसे रखना। इस प्रकार के कार्य इस संस्था के द्वारा किए जाते हैं। आयुर्वेद आयुर्वेदा का विश्वव्यापी परिचय और बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के आ रहे हैं संस्थानों से, अब रुचि भी बढ़ती जा रही है आयुर्वेदा की पढ़ाई, बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद और भी ज़्यादा निखर के आया है। देखिए, ऐसा है कि बच्चों का ही कोविड के जो समय आया, 2-3 साल कोविड के रहे, बच्चों का ही पूरे विश्व का ध्यान आयुर्वेद की ओर आकर्षित हुआ है। तो उस वजह से बच्चों का इसकी ओर आकर्षित होना, जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उनका इस, बच्चों का इस चिकित्सा की ओर ध्यान जाना या इस चिकित्सा के प्रति लगाव होना निश्चित ही एक रुझान है, जो आयुर्वेद की फलश्रुति को, यानी वो दिन प्रतिदिन कैसे विश्व पटल पे चमक रहा है, इसको सुशोभ बताती है। तो मेरे हिसाब से बच्चों का इससे और रुझान बढ़ेगा और आयुर्वेद विश्व के पटल पर एक अपनी अमूल्य छाप छोड़ेगा। एक आखिरी सवाल और छोटा सा सवाल, आयुर्वेदा को मेडिसिन की तरह विदेश में नहीं जगह मिल पा रहा है, वो फूड सप्लीमेंट की तरह जगह मिलता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान के आयुर्वेदा के ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन, सरकार के साथ कैसे काम करके पूरी दुनिया में इसको मेडिसिन की तरह इस्तेमाल हो पाए, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन होती है, उससे और ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा? इस विषय में हमारे जो सचिव हैं श्री राजेश कोटेचा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से, वो आयुर्वेद से संबंधित हैं, आयुर्वेद के प्रख्यात चिकित्सक भी हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नियर अबाउट मोर देन 20 कंट्रीज में आयुर्वेद रिकॉग्नाइज हो गया है, उसकी चिकित्सा पद्धति को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में यूरोपियन कंट्रीज में भी आयुर्वेद को चिकित्सा के रूप में मान्यता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज धन्वंतरी जयंती की और की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आपके पूरे टीम। आपको भी धन्वंतरी जयंती की बहुत।